दूसरे लोगों की तरह आप वैसा काम मत करिएगा कि इंस्टेंट गीजर खरीदने के बाद पछताना और फिर इधर उधर जा करके कमेंट करते हैं कि मैंने गलत गीजर खरीद लिया, मेरा गीजर बाथरूम के लिए सूटेबल नहीं है, मैंने 6 लीटर के जगह पर 3 लीटर वाला मॉडल खरीद लिया और जो कि सफिशियंट गर्म पानी को नहीं दे पाता है, या फिर उनको खरीदने के बाद समझ में आता है कि उनका इंस्टेंट गीजर हार्ड वाटर के लिए सूटेबल नहीं है और पता नहीं क्या क्या कमी बताते हैं कि मेरे गीजर में ये कमी है, मेरे गीजर में वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनके गीजर में नहीं, प्रॉब्लम उनके डिसीजन बनाने में था। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी रिसर्च का ही कोई सा भी गीजर उठा लिए, इसीलिए आप वैसा काम मत करिएगा। तो पहले आप अपना रिक्वायरमेंट समझ लीजिए कि किस पर्पस के लिए आप गीजर को खरीद रहे हैं, क्या आपको एक इंस्टेंट गीजर की जरूरत है भी या फिर नहीं। आपको इंस्टेंट गीजर बाथरूम में नहाने के लिए या फिर हाथ धोने के लिए चाहिए, या फिर किचन में बर्तन को धोने के लिए चाहिए, या फिर बाथरूम में आपको शावर यूज करने के लिए चाहिए, आपके लिए कौन सा गीजर सूटेबल रहेगा, इंस्टेंट या फिर स्टोरेज गीजर, आपको कौन सा गीजर खरीदना चाहिए वो हम बताएंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके मन में जितने भी डाउट है उन सब के ऊपर बात करेंगे और यही नहीं जो टॉप 5 बेस्ट इंस्टेंट गीजर है इंडिया में उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके अलावा आपको बेस्ट स्टोरेज गीजर को भी बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्त, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इंस्टेंट गीजर के कुछ मॉडल्स अच्छे नहीं है जिनको आपको खरीदने से बचना चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्त, आपको पता ही होगा गीजर जनरली दो तरह के होते हैं, इंस्टेंट गीजर और स्टोरेज गीजर। तो इनमें से आपको कौन सा खरीदना चाहिए, आइए उनको हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं ताकि आपको डिसीजन बनाने में और भी आसानी हो। इंस्टेंट गीजर को इंस्टॉल करने के लिए आपको कम स्पेस चाहिए, इसलिए आप इसको छोटे बाथरूम में या फिर किचन के अंदर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं स्टोरेज गीजर को इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए। इंस्टेंट गीजर आपका 3 किलोवाट से लेकर के 4.5 किलोवाट तक आता है, तो इसमें आपको बिजली का कंजप्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं स्टोरेज गीजर आपको 2 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक आता है। वाटर हीटिंग टाइम की बात करें तो इंस्टेंट गीजर आपके वाटर को क्विकली हीट कर देता है, लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर में यह वाटर को अच्छे से हीट कर देगा। वहीं अगर आप 4.5 किलोवाट के साथ जाइएगा तो 1 मिनट के अंदर में ही यह वाटर को हीट कर देगा। वहीं स्टोरेज गीजर में आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं वाटर को हीट होने में, तो इंस्टेंट गीजर को ऑन करते ही तुरंत गर्म पानी आपको मिलेगा। लेकिन वहीं स्टोरेज गीजर में पानी बार बार ठंडा होता है, फिर बार बार उसको आपको गर्म भी करना पड़ता है, इस वजह से उसमें एनर्जी का वेस्ट ज्यादा होता है। इंस्टेंट गीजर 1, 3 और 6 लीटर अलग अलग कैपेसिटी में आता है, तो अगर आपकी फैमिली साइज छोटी है तो फिर आप 1 से 3 लीटर के साथ जाइए, और अगर आपकी फैमिली साइज बड़ी है या फिर अगर आप इंस्टेंट गीजर को बाथरूम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आप 6 लीटर कैपेसिटी के साथ जाइएगा। वहीं स्टोरेज गीजर 6 लीटर से लेकर के 25 लीटर कैपेसिटी तक आता है। अगर लाइफ की बात करें तो इंस्टेंट गीजर आपका ज्यादा ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू स्टोरेज गीजर। प्राइस की बात करें तो इंस्टेंट गीजर आपका थोड़ा महंगा मिलता है एज कम्पेयर टू स्टोरेज गीजर। इंस्टेंट गीजर में अगर देखा जाए तो 6 लीटर वाला आपको लगभग 6 से 8 हजार के आसपास में मिल जाएगा, लेकिन यही स्टोरेज गीजर में 15 लीटर वाला मॉडल आपको 6 से 8 हजार के बीच में मिल जाएगा। अगर बात करें ये गीजर कहाँ के लिए बेस्ट सूटेबल रहेंगे, तो अगर आपको किचन के बर्तन को धोना है या फिर आपको हैंड वॉश के लिए यूज करना है या फिर बाथरूम के अंदर में बाल्टी के अंदर पानी भर के नहाते हैं, तो फिर आप इंस्टेंट गीजर के साथ जाइए जो कि आपके वाटर को क्विकली हीट करके दे देता है। लेकिन वहीं अगर आप चाह रहे हैं बाथरूम के अंदर में शावर यूज करना या फिर अगर बाल्टी के अंदर में भी पानी भर के नहाते हैं तो फिर आप स्टोरेज गीजर के साथ जाइए। आपने इंस्टेंट गीजर और स्टोरेज गीजर में डिफरेंस देख लिया और आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए इंस्टेंट गीजर सूटेबल रहेगा या फिर नहीं। इस वीडियो में सिर्फ इंस्टेंट गीजर के बारे में बात करेंगे, अगर आपको स्टोरेज गीजर खरीदना है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिए बेस्ट गीजर 2023 बाय इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, आपको डिटेल्स में स्टोरेज गीजर के ऊपर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए दोस्त, एक बढ़िया गीजर खरीदने से पहले आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होगा, तो आइए उन सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों गीजर का कैपेसिटी। जैसा कि आपको पता है एक इंस्टेंट गीजर आपका 1, 3 और 6 लीटर कैपेसिटी में आता है, तो आपके फैमिली साइज और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से गीजर का सही कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो खरीदने के बाद हो सकता है आपको परेशानी उठाना पड़े। अगर आप इंस्टेंट गीजर को किचन में यूज करने के लिए लेना चाह रहे हैं तो आपका 1 से 3 लीटर कैपेसिटी में भी काम चल जाएगा, और अगर आप बाथरूम में बाल्टी भर कर नहाने के लिए इंस्टेंट गीजर लेना चाह रहे हैं तो आप ज्यादा कैपेसिटी के साथ जाइएगा, 6 लीटर कैपेसिटी में भी आपका काम हो जाएगा। बाकी फैमिली साइज के हिसाब से यहाँ गीजर कैपेसिटी का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिए। दूसरा पॉइंट है इंस्टेंट गीजर का वाटर। जैसा आपको पता है इंस्टेंट गीजर आपका 3 किलोवाट और 4.5 किलोवाट में आता है, तो अगर आपके इंस्टेंट गीजर का कैपेसिटी 3 लीटर है तो यह 3 किलोवाट वाला इंस्टेंट गीजर आपको 2 से 3 मिनट में आपके वाटर को गर्म कर देगा। अगर आप 4.5 किलोवाट वाला इंस्टेंट गीजर लेते हैं तो यह आपके पानी को लगभग 30 से 45 सेकंड में ही गर्म कर देगा। हाँ, लेकिन आप ज्यादा किलोवाट लीजिएगा तो आपका बिजली बिल भी वैसे ही भर भर के आएगा। देखिए, अगर आप 3 किलोवाट वाला मॉडल ले रहे हैं और आप उसको 1 घंटा के लिए यूज करते हैं तो आपका पावर कंजप्शन 3 यूनिट का होगा, और वहीं अगर आप 4.5 किलोवाट वाला मॉडल ले रहे हैं और आप उसको 1 घंटा यूज कर रहे हैं तो आपका 4.5 यूनिट का पावर कंजप्शन होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको 3 किलोवाट के साथ जाना है या फिर 4.5 किलोवाट के साथ जाना है। अगला पॉइंट है इनेमल कोटिंग। जनरली अगर देखा जाए तो इंस्टेंट गीजर का जो टैंक होता है वो आपका स्टील या फिर इसके एलॉय से बना हुआ होता है, और इस टैंक को रस्ट और कोरोजन से बचाने के
के लिए इसके इनर साइड में आपका ग्लास पाउडर का कोटिंग किया हुआ रहता है, जो कि इसको हार्ड वाटर से भी बचाता है। बाकी आप ब्रांड्स के बातों पर मत जाइएगा, ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का नाम रख देते हैं, टाइटेनियम टेक्नोलॉजी, डायमंड टेक्नोलॉजी, जनरली जो कि आपका ग्लास पाउडर ही होता है। और इंस्टेंट गीजर के मेन पार्ट की बात करें तो वो आपका हीटिंग एलिमेंट होता है, जो कि जनरली आपका कॉपर या फिर आयरन और निकेल के एलॉय से बना होता है। अगर उस पर भी इनेबल कोटिंग किया रहता तो अच्छी बात है, उसका लाइफ भी बढ़ जाएगा, उसके ऊपर भी आपका रस्ट और क्रोजन जल्दी नहीं लगेगा। अगला पॉइंट है इनोडड। अगर आपके घर में हार्ड वाटर या फिर नॉर्मल वाटर ही क्यों ना आता हो, अगर यह इनोडड आपके इंस्टेंट गीजर में हो तो बहुत अच्छी बात है। यह इनोडड आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या फिर जिंक का बना होता है, जो कि आपके वाटर के टैंक के अंदर हमेशा डूबा हुआ रहता है और वाटर से रिएक्ट करके यह पहले खुद गलता है और आपके टैंक और आपके हीटिंग एलिमेंट को दोनों क्रोजन और रस्ट से बचाता है। हाँ, लेकिन यह रड जनरली आपका 5 से 6 साल में लगभग खराब ही हो जाता है और आपको इसको चेंज भी करवाना पड़ता है, लेकिन यह आपके गीजर को हार्ड वाटर से बहुत सेफ रखता है। यह इनोडड आपके सभी गीजर्स में नहीं मिलते हैं, मैं इस वीडियो के अंदर में बता दूंगा कि कौन से गीजर के अंदर आपके इनोडड मिलते हैं। अगर आपके घर में ज्यादा हार्ड वाटर आता है तो आपके गीजर में यह इनोडड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप चाहें तो सॉफ्टनर भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका टैंक और हीटिंग एलिमेंट दोनों सेफ रहेगा गीजर के अंदर में। अगला पॉइंट है प्रेशर रेटिंग। अगर जनरली देखा जाए जो इंस्टेंट गीजर होते हैं वो आपके हाई राइज बिल्डिंग के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। जनरली इंस्टेंट गीजर आपके 2 प्रेशर रेटिंग के साथ आते हैं, 6.5 और 8 बार प्रेशर रेटिंग। तो अगर आप 25 फ्लोर तक भी रहते हैं तो आप 6.5 बार प्रेशर रेटिंग के साथ जाइए, और अगर आप 25 फ्लोर से ऊपर में रहते हैं तो फिर आप 8 बार प्रेशर के साथ जाइए। अगला पॉइंट है इंस्टॉलेशन। तो जनरली अगर देखा जाए तो इंस्टेंट गीजर के अंदर आपका फ्री इंस्टॉलेशन नहीं मिलता है, ब्रांड्स आपको इंस्टॉलेशन के लिए लगभग 300 से लेकर के 500 तक चार्ज करते हैं, और ये आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है, और पाइप और प्लग मिला करके लगभग आपको 400 से लेकर के 500 तक पे करना पड़ेगा। तो टोटल मान लीजिए इंस्टॉलेशन के लिए लगभग आपको 1000 रुपया देना ही पड़ेगा, और नहीं तो कुछ ब्रांड्स वैसे भी हैं जो आपके इंस्टॉलेशन फ्री में देते हैं, लेकिन वही आपसे प्राइस ज्यादा चार्ज करके लेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी। आपके गीजर्स के अंदर सभी सेफ्टी फीचर्स जरूर होने चाहिए। तो पहला सेफ्टी फीचर है ऑटो थर्मल कट ऑफ। अगर आपके गीजर के अंदर में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है या फिर अगर आप अपने गीजर को स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं तो यह आपका थर्मल कट ऑफ आपके गीजर को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। और दूसरा पॉइंट है प्रेशर रिलीज वाल्व। मान लीजिए आपके गीजर के अंदर में ऑटो थर्मल कट ऑफ काम नहीं किया और आपका वाटर बहुत ज्यादा हीट हो गया, और ज्यादा हीट होने की वजह से आपके गीजर के अंदर में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में एक सेफ्टी वाल्व दिया रहता है जो कि गीजर के अंदर से गर्म पानी को बाहर निकाल देता है। और तीसरा पॉइंट, आपके गीजर के अंदर में एक इंडिकेटर होना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा आपके गीजर में पावर आ रहा है या नहीं, या फिर आपका वाटर हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लास्ट पॉइंट, आप अपने गीजर में वारंटी जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके गीजर के अंदर कितना वारंटी मिल रहा है। जनरली अगर देखा जाए तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर 2 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है, हीटिंग एलिमेंट के ऊपर 2 ईयर का वारंटी मिलता है, और पूरे टैंक के ऊपर आपको 5 ईयर का वारंटी मिलता है। सिर्फ पेपर के ऊपर ज्यादा साल का वारंटी होना मैटर नहीं करता। अगर मान लीजिए उस वारंटी पीरियड के अंदर में आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उस पीरियड में आपका कौन सा ब्रांड वारंटी को फुलफिल कर पाता है वो मैटर करता है, वरना बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड है जो कि आपको वारंटी क्लेम करवाने के लिए रुला देंगे। इसीलिए एक अच्छे ब्रांड का गीजर होना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं टॉप 5 बेस्ट इंस्टेंट गीजर इन इंडिया के बारे में। देखिए, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर किया और उनमें से जो टॉप 5 बेस्ट इंस्टेंट गीजर थे सिर्फ उन्हीं को इस वीडियो में सिलेक्ट किया हूं। कुछ इंस्टेंट गीजर को मैंने छोड़ दिया, या तो वो अच्छे ब्रांड्स के नहीं थे या फिर उनके अंदर फीचर्स अच्छे नहीं थे। यानी दोस्त, आप बोल सकते हैं कि काफी रिसर्च और एनालाइज करने के बाद यह वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ताकि आप एक सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर पाए। और आपका सेटिस्फेक्शन ही दोस्तों हमारे मेहनत का फल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक वीडियो बनाने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगा देता हूं, ताकि गलती से भी आपके सामने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। बदले में दोस्त आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने सभी गीजर्स के 3 लीटर और 6 लीटर मॉडल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपको जो भी इंस्टेंट गीजर पसंद आए तो आप उसी लिंक के थ्रू ही जाकर के उसको परचेज करिएगा, और वह लिंक दोस्तों एक अफिलिएट लिंक है। अगर आप वहां से जाकर के कोई सा भी इंस्टेंट गीजर खरीदते हैं तो आपके बिना प्राइस को चेंज किए हुए हमें थोड़ी बहुत कमीशन मिल जाएगी, और आपके सामने इसी तरह का और इन्फॉर्म्ड और रिसर्च कंटेंट लाने के लिए हमें थोड़ी बहुत फाइनेंशियली हेल्प भी मिल जाएगी, और वही हमारे हार्डवर्क का फल है दोस्त। और इससे हमें आपके सामने और भी इन्फॉर्म्ड और रिसर्च भरा कंटेंट लाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप उसी लिंक को यूज करके खरीदिएगा अपने प्रोडक्ट को। तो आइए दोस्त, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका टॉप 5 बेस्ट इंस्टेंट गीजर के बारे में बात करते हैं। जो 5वें नंबर पर मैंने इंस्टेंट गीजर रखा है वो आपका रेकॉर्ड के तरफ से आता है। यह गीजर आपका 3 लीटर और 3 किलोवाट वाटेज कैपेसिटी में देखने को मिलेगा। इसके इनर टैंक की बात करें तो इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का टैंक मिलता है और हीटिंग एलिमेंट आपका कॉपर का मिलेगा। अगर प्रेशर रेटिंग की बात करें तो यह गीजर 6.5 बार प्रेशर रेटिंग के साथ आता है, तो यह गीजर भी आपका हाई राइज बिल्डिंग के लिए सूटेबल रहेगा। अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको सभी नेसेसरी सेफ्टी मिल जाते हैं, जैसे कि थर्मल ऑटो कट ऑफ, एलईडी इंडिकेटर, सेफ्टी वाल्व, एंटी साइफन प्रोटेक्शन, जो कि इंस्टेंट गीजर के अंदर में इनलेट पाइप से वाटर को रिवर्स फ्लो होने नहीं देता है। यानी सिर्फ इसमें आपको वाटर एक ही डायरेक्शन में आ सकता है। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको इंस्टॉलेशन एंड एक्सेसरीज
कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। वारंटी की बात करें तो 2 ईयर ऑन प्रोडक्ट, 2 ईयर ऑन हीटिंग एलिमेंट और 5 ईयर ऑन टैंक के ऊपर मिलता है। और रेकॉर्ड का यह गीजर आपको लगभग 2800 के आसपास में मिल जाएगा। देखिए दोस्त, यह इटालियन ब्रांड आपका वाटर हीटर के लिए ही फेमस है, लेकिन इसके कौन की बात करें तो इस गीजर के अंदर में आपको कोई भी एनोड रड नहीं मिलता है, तो यह गीजर आपके हार्ड वाटर के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। और इस ब्रांड का एक और प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर में इसका बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप सिटी एरिया से हैं तो ही आप इस गीजर को खरीदिएगा, आपको सर्विस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए अब हम चौथे नंबर के गीजर के बारे में बात करते हैं। यह बजाज का स्प्लेंडोरा मॉडल है। बजाज का यह गीजर भी आपका 3 लीटर और 3 किलोवाट कैपेसिटी में आता है। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का टैंक देखने को मिलेगा और हीटिंग एलिमेंट कॉपर का मिल जाएगा। यह गीजर भी आपका 6.5 बार प्रेशर रेटिंग के साथ आता है। इसमें भी आपको सेफ्टी के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इस गीजर के अंदर में भी आपको फ्री इंस्टॉलेशन नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखिए। वारंटी की बात करें तो प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ आपको 1 ईयर का ही वारंटी मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। हीटिंग एलिमेंट के ऊपर 2 ईयर का वारंटी मिल जाए और टैंक के ऊपर 5 ईयर का वारंटी मिले। और यह गीजर आपको लगभग 2700 के आसपास मिल जाएगा। तो इस गीजर के कौन की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी आपको एनोड रड नहीं मिलता है, तो अगर आपके घर में ज्यादा हार्ड वाटर रहता है तो यह गीजर भी आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। जो तीसरे नंबर पर मैंने इंस्टेंट गीजर रखा है वो हैवेल्स का इंस्टानियो मॉडल है। हैवेल्स का यह गीजर आपको 1 लीटर, 3 लीटर और 6 लीटर अलग अलग कैपेसिटी में मिल जाएगा। इसके वाटेज की बात करें तो यह गीजर आपका 3 किलोवाट और 4.5 किलोवाट दो अलग अलग कैपेसिटी में मिलेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सा लेना है। अगर आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंस्टेंटली गर्म पानी चाहिए तो 4.5 किलोवाट के साथ जाइए, नहीं तो आप 3 किलोवाट के साथ जाइए, लगभग 2 मिनट के अंदर में पानी आपका गर्म हो जाएगा। इसमें भी आपको स्टेनलेस स्टील का टैंक मिल जाएगा। आउटर बॉडी आपका ABS प्लास्टिक से बना हुआ है और हीटिंग एलिमेंट आपको कॉपर का देखने को मिलेगा। यह गीजर भी आपका 6.5 बार प्रेशर रेटिंग के साथ आता है और इस गीजर में भी आपको सेफ्टी के सारे फीचर मिल जाएंगे। इसके इंस्टॉलेशन की बात करें तो इस गीजर में आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलता है और फ्री एक्सेसरीज भी मिल जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 3 प्लग नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। हीटिंग एलिमेंट के ऊपर भी 2 ईयर का वारंटी मिलेगा और टैंक के ऊपर आपको 5 ईयर का वारंटी मिलेगा। बट अगर इसके प्राइस की बात करें, क्योंकि इसमें इंस्टॉलेशन फ्री है इसलिए इसका प्राइस भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लगभग 3600 के आसपास। देखिए यह एक अच्छा और मोस्ट सेलिंग गीजर में से है जो कि काफी अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, लेकिन इस गीजर के अंदर में भी आपको एनोड रड नहीं मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आपके घर में ज्यादा हार्ड वाटर आता है, लगभग 1000 TDS से ऊपर आता है, तो मैं उसके लिए भी इस वीडियो के लास्ट में एक बढ़िया सा गीजर बताऊंगा जिसमें कि आपको एनोड रड भी मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब हम दूसरे नंबर के गीजर के बारे में बात करते हैं। यह आपका वी गार्ड का जियो वाला मॉडल है। वी गार्ड का यह गीजर आपको 3 लीटर और 3 किलोवाट कैपेसिटी में मिल जाएगा। इसमें भी आपको स्टेनलेस स्टील का इनर टैंक मिलेगा, हीटिंग एलिमेंट आपका कॉपर का मिल जाएगा और प्रेशर रेटिंग की बात करें तो 6.5 बार प्रेशर रेटिंग मिलता है इसमें, जो कि ब्रांड का मानना है कि 28 फ्लोर तक भी अगर आपका है तो यह वाटर के प्रेशर को इजीली झेल जाएगा। इस गीजर के अंदर में भी आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, साथ में आपको एंटी साइफन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा जो कि वाटर को रिवर्स फ्लो होने नहीं देगा। इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन आपका लगभग 300 के आसपास में हो जाएगा और पाइप आपको लगभग 250 के आसपास में मिल जाएगा, 100 के आसपास में आपको 3 पिन मिल जाएगा, तो टोटल मिलाकर के अगर देखें तो लगभग 700 से लेकर के 800 में आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इस गीजर के अंदर में भी आपको 2 ईयर ऑन प्रोडक्ट, 2 ईयर ऑन हीटिंग एलिमेंट और 5 ईयर ऑन टैंक के ऊपर वारंटी मिल जाएगा। वहीं इस गीजर के प्राइस की बात करें तो यह गीजर आपको लगभग 2600 के आसपास में मिल जाएगा। वी गार्ड भी दोस्तों इंडिया के अंदर में एक रेप्यूटेड ब्रांड है और इसका इंडिया के अंदर में बहुत बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस गीजर के अंदर में भी एनोड रड नहीं मिलता है। तो आइए अब हम नंबर 1 गीजर के बारे में बात करते हैं। यह गीजर दोस्तों आपका AO स्मिथ के तरफ से आता है। AO स्मिथ का यह गीजर आपको 3 लीटर और 3 किलोवाट कैपेसिटी में मिल जाएगा। इसके अंदर में भी आपको स्टेनलेस स्टील का टैंक देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात है टैंक के इनर साइड में आपको ब्लू डायमंड ग्लास लाइन का कोटिंग मिल जाएगा जो कि आपके टैंक को कोरोजन और रस्ट से बचाएगा और इसके लाइफ को और ज्यादा बढ़ा देगा। हीटिंग एलिमेंट के ऊपर में भी आपको ग्लास लाइन का कोटिंग मिल जाएगा, तो हीटिंग एलिमेंट का लाइफ भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात है यह गीजर आपका 8 बार प्रेशर रेटिंग के साथ आता है, तो अगर आप 30 फ्लोर के आसपास में भी रहते हैं तो यह गीजर आपके वाटर के प्रेशर को इजीली झेल जाएगा। और यही नहीं, इस गीजर के अंदर में आपको एनोड रड भी मिल जाता है जो कि आपके टैंक और हीटिंग एलिमेंट दोनों को हार्ड वाटर से बचाएगा और आपके गीजर के लाइफ को और ज्यादा बढ़ा देगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गीजर के अंदर में भी आपको जो नेसेसरी सेफ्टी फीचर्स होते हैं सभी मिल जाएंगे। हाँ, इंस्टॉलेशन और एक्सेसरीज आपको इसमें फ्री नहीं मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वारंटी की बात करें तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर 2 ईयर का वारंटी मिलता है, हीटिंग एलिमेंट के ऊपर आपको 3 ईयर का वारंटी मिल जाएगा, तो इसमें आपको 1 साल का ज्यादा हीटिंग एलिमेंट के ऊपर वारंटी देखने को मिलेगा और टैंक के ऊपर आपको 5 ईयर का वारंटी मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो यह गीजर आपको लगभग 2800 के आसपास में मिल जाएगा। देखिए दोस्त, इस गीजर में सबसे बढ़िया बात है कि इसमें आपको एनोड रड मिल जाता है, तो यह गीजर आपके हार्ड वाटर के लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा। और अच्छी बात है, इसमें आपको 8 बार प्रेशर रेटिंग मिल जाता है, तो आप कितना भी ऊंचा बिल्डिंग
में रहिए, यह आपके वाटर के प्रेशर को आराम से झेल जाएगा। लेकिन इस गीजर के अंदर में भी दोस्तों आपको कुछ कौन देखने को मिलेगा। एओ स्मिथ का इंडिया के अंदर में सिर्फ बड़े शहरों के अंदर में ही आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया है, लेकिन वहीं अगर आप रूरल एरिया से हैं या फिर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ऐसे जगहों पर आपको एओ स्मिथ का बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट इंस्टेंट गीजर। कुछ ब्रांड्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हूं क्योंकि उनका आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया नहीं है या फिर उनके अंदर में अच्छा फीचर नहीं आता है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्त कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा इंस्टेंट गीजर को खरीदना है। मैंने 3 लीटर और 6 लीटर दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी गीजर खरीद सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अगर आप बड़े शहर से हैं या फिर आपके घर में ज्यादा हार्ड वाटर आता है तो आप एओ स्मिथ के मॉडल के साथ जाइए, और नहीं तो अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप हैवल्स वाला मॉडल ले लीजिए या फिर वी गार्ड वाला मॉडल ले लीजिए। दोनों ही आपका रेप्यूटेड ब्रांड है और इंडिया के अंदर में बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस देखने को मिलेगा इसका। तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों में आपको सेम फीचर देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हैवल्स का प्राइस थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसमें आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलता है। और दोस्त, अगर आपको स्टोरेज गीजर का भी वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिए बेस्ट गीजर 2023 बाय इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, आपको डिटेल में वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, चलता हूँ, ख्याल रखिए अपना, बाय।